सेकंड नंबर, तो पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स रेज टू 4 -3x² +4x +5। अभी यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बीच में क्या आएगा, माइनस एक्स, और लास्ट में कॉन्स्टेंट। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर एक्स रेज टू कितने, फर्स्ट टर्म 4, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, 4 में से 2 का क्या बचेगा, रिमाइंडर स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पर देखो ऊपर एक्स क्यूब वाला दिया हुआ नहीं, तो जो था वही का वही आएगा। अभी यहाँ पर साइन कौन सी, प्लस है तो प्लस वाली लगानी है, एक्स क्यूब। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस कितने होते, प्लस ही होगा, तो 3x² और 1x² कितना होगा, 4x² प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा मिला, क्यूब मिला है, किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्यूब में से स्क्वायर गया, क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, तो प्लस एक्स। अभी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, तीनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स बन जा एक्स। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। 4x² में से 1x² गया, क्या बचेगा, 3x² 4x में से 1x गया, क्या बचेगा, 3x, और लास्ट में क्या है, 5। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, -3x², किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट, क्या बचा, रिमाइंडर -3, -3 लिख लिया। अभी -3 के साथ, तीनों के साथ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x, 3 1 जा 3। अभी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट, 3x भी ये कट, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो हमारा जो रिमाइंडर है, आर ऑफ एक्स कितना मिला, 8 मिला, और क्यू एक्स हमारा क्या मिला, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। पी ऑफ एक्स हमारा क्या था, एक्स एक्स रेस टू 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। जी ऑफ एक्स कितना दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -x। अभी देखो ये तो पी ऑफ एक्स अंदर लिख लिया, जी ऑफ एक्स पहले स्क्वायर वाला आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, और लास्ट में कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा था, एक्स रेस टू 4, किससे डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर से, तो 4 में से 2 गए, क्या बचेगा, स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4 प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर बन जाए, ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करके तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अभी देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। अभी यहाँ पर क्यूब वाला ऊपर दिया हुआ नहीं है, तो जो था वही का वही, एक्स क्यूब -3x² और -x² कितने होते, -4x² होते, ये आएगा 4x। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा था, एक्स क्यूब था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कितना बचा, एक्स बचा, लिख लिया। अभी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स बन जा एक्स। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। 4x² में से 1x² गया, क्या कितना बचेगा, -3x², 4x में से 1x गया, कितना बचेगा, 3x। अभी वो लास्ट में क्या था, कॉन्स्टेंट 5। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, -3x², तो -3x² किससे डिवाइड करना, x² से, x² कट, कितना बचेगा, -3 ही बचेगा, -3 के साथ मल्टी कर, -3 इंटू x² -3x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x, 3 1 जा 3। अभी देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया। 3 में से ये भी कट हो गया, 5 और 3 कितने होते, 8 होते, ये हो गया। तो हमारा जो रिमाइंडर है कितना मिला, 8 मिला, और क्यू एक्स हमारा क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है t² -3, और यहाँ पर पी ऑफ एक्स दिया हुआ है t² 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। ये हमारा क्या है, पी ओफ एक्स है, और ये हमारा क्या है, जी ओफ एक्स। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12, जी ओफ एक्स कितना है हमारा, t² -3। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, 2t⁴, अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, स्क्वायर है, स्क्वायर 4 में से स्क्वायर गया, क्या बचेगा, स्क्वायर ही बचेगा, इंटू 2, रिमाइंडर क्या मिला, 2t² 2 इंटू 2, t² इंटू t² क्या होता है, t⁴ प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6t²
ये हो गया, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया। थ्री टू क्यूब, यहाँ पर सिक्स में से टू गए, कितने बचेंगे 40 स्क्वेयर, और भी यहाँ क्या हो जाएगा -90। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, थ्री टी क्यूब, अभी किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर से डिवाइड करना है, स्क्वायर क्यूब में से स्क्वायर क्या बचेगा, क्या है टी बचेगा, और यहाँ पर आगे क्या था थ्री थ्री टी, तो यहाँ पर लिख लिया थ्री टी, थ्री टी इंटू टी स्क्वायर क्या होगा टी क्यूब होगा, प्लस माइनस माइनस, थ्री इंटू थ्री टी 90, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया, क्या बचेगा 40 स्क्वेयर, ये भी कट हो गया, क्या बचेगा -12। फर्स्ट टर्म कौन सा है 40 स्क्वेयर, यहाँ पर किससे डिवाइड करना है टी स्क्वेयर के, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा था 40 स्क्वेयर, किससे डिवाइड करना है टी स्क्वेयर से, टी स्क्वेयर कट, क्या बचा 4 बचा, तो यहाँ पर लिख लिया 4, अभी 4 इंटू टी स्क्वेयर 40 स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट, ये भी कट, क्या मिला रिमाइंडर, तो हमारा लिखना है कि आर ऑफ एक्स रिमाइंडर क्या मिला 0, और क्यू एक्स कितना मिला, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, पहले से समझा तो हमारा जी ऑफ एक्स कितना था टी स्क्वेयर माइनस 3, पी ऑफ एक्स दिया हुआ था, लिख लिया यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म कौन सा है 2t रेज टू 4, किससे डिवाइड करना है टी स्क्वेयर से डिवाइड करना है, स्क्वेयर 4 में से 2 गए, स्क्वेयर ही बचेगा 2t स्क्वेयर, लिख ली यहाँ पर, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मिल गया, तो 2 इंटू टी स्क्वेयर क्या होगा 2t रेज टू 4, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2t स्क्वेयर, तो 3 इंटू 2t स्क्वेयर क्या होता है 6t स्क्वेयर, ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट हो गया, क्या बचा गया यहाँ पर, तो जो है वही का वही आएगा नीचे, 6 में से 2 गए, कितना बचेगा 40 स्क्वेयर, यहाँ पर -90। फर्स्ट टर्म कौन सा था 3t क्यूब, किससे डिवाइड करना है टी स्क्वेयर से डिवाइड करना है, तो क्यूब में से स्क्वेयर गया, क्या बचेगा 3t बचेगा, ठीक है लिख लिया यहाँ पर 3t, अभी 3t इंटू टी स्क्वेयर 3t क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3t कितना होता है 90, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, प्लस माइनस क्या बचेगा 40 स्क्वेयर, और ऊपर लास्ट में कॉन्स्टेंट कितना बचेगा -12, वो नीचे उतार दिए। अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कितना था टी स्क्वेयर था, टी स्क्वेयर हो गया 40 स्क्वेयर फर्स्ट टर्म हमारा, ये वाला किससे डिवाइड करना है टी स्क्वेयर से डिवाइड करना है, तो टी स्क्वेयर कट, कितना बचेगा 4 बचेगा, लिख लिया यहाँ पर 4, 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू टी स्क्वेयर 40 स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, ये हो गया, ये कट हो गया, माइनस है तो प्लस, ये भी कट हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। अभी नाउ द सेकंड ले सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो हमें यहाँ पर लिख लिया 3x रेज टू 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जी ऑफ एक्स कितना दिया होता है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, अभी इससे डिवाइड करना है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा था 3x रेज टू 4, किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 4 में से 2 गए, कितना बचेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 है तो 3, लिख लिया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 इंटू 3 प्लस 3 3 9 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर ही होगा 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस होते 7 और 3 कितने होते हैं 10x स्क्वायर, अभी नीचे क्या उतारेंगे 2x, फर्स्ट टर्म कितना है -4x क्यूब, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा कितना है एक्स स्क्वायर, 3 में क्यूब में से स्क्वायर गया एक ही एक्स बचेगा, आगे कितने बचे -4, -4x लिख लिया, अभी -4x से तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो -4 x² × x x³ प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x × x x² -4x × 1 तो -4x ही होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया, 12 में से 10 गए 2x², 4x में 4 और 2 कितने होते हैं 6x, अभी यहाँ पर क्या है 2 है तो 2, फर्स्ट टर्म कौन सा है 2x², किससे डिवाइड करना है x² से डिवाइड करना है x² कट, कितना बचा 2, लिख लिया यहाँ पर 2, अभी 2 से साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 2x² 3 2 जा 6x 2 1 जा 2,
ए प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो माइनस, ए कट ए बी कट ए बी कट, कितना मिला रिमाइंडर हमारा, तो आर ऑफ एक्स हमारा ज़ीरो एंड क्यू ऑफ एक्स कितना मिला, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस टू। ठीक है, तो हमारे डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या बोला है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमाइल दिया हुआ है थ्री एक्स टू फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री। दिस इज द मोस्ट टाइम क्वेश्चन। अभी एग्जाम्पल नंबर नाइन जो एग्जाम्पल नाइन करके थे सेम वैसे का वैसे, यहाँ पर पॉलिनोमाइल और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो जीरोस दिए, कौन कौन से, अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री। तो यहाँ पर लिखना है कि अंडर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पहले इस दोनों को एक्स के इक्वल में लिख लेते हैं, पहले का पहले हो गया। ठीक है, ये प्लस है आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो पहले किस फॉर्म में थे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो इसको क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस जो ये यहाँ पर उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। अभी स्क्वायर निकाल देते तो एक्स स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, क्या बचेगा फाइव बाय थ्री। तो ये हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स है, क्या है, जी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, पॉलिनोमाइल थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, ये हमें क्या है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। अभी हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अभी हमें हमारा क्या मिलेगा, रिमाइंडिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं। तो पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था के 3x रेस टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और जी ऑफ एक्स हमारा कितना मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, 3x रेस टू 4, किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर से डिवाइड करना है, 4 में से 2 गए स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर, अभी 3x स्क्वायर, अभी x रेस टू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या होगा, 3x रेस टू 4 ही होगा। अभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका, 5 बाय 3 इंटू 3x स्क्वायर, क्या है, माइनस 5 बाय 3, हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 कट, क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर, क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया, पहले तो ये 6x क्यूब लिख लेते हैं, 5 में से 2 गए कितना बचे, 3x स्क्वायर, अभी यहाँ पर कितना है, माइनस 10x। पहले मैं समझा देता हूँ, फर्स्ट टर्म कितना था, 3x रेस टू 4, क्या किया हमने, 3x रेस टू 4, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन सा था, स्क्वायर था, स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या बचेगा, 3x स्क्वायर लिख लिया। अभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स रेस टू 4, अभी माइनस 5 बाय 3 किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन, 3 3 कट, क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के नीचे ही लिखना है। अभी देखो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया, 6x क्यूब वैसे का वैसे, 5 में से 2 गए कितने बचे, 3x स्क्वायर, और ये नीचे उधर। अभी यहाँ पर देखो 6x क्यूब फर्स्ट टर्म है हमारा, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्यूब में से स्क्वायर गया, क्या बचेगा, x ही बचेगा, आगे कितने है, 6 है तो 6 प्लस 6x। अभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 6 1 जा 6, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। अभी सिक्स एक्स को किससे साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस फाइव बाई थ्री को, तो ये थ्री डूजा क्या होते हैं, सिक्स थ्री थ्री कट। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फाइव डूजा टेन एक्स, ये हो गया माइनस टेन एक्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
ये कट क्या बचेगा, 3x2, ये भी प्लस माइनस कट, क्या बचेगा -5। फर्स्ट टर्म कौन सा है, 3x2, किससे डिवाइड करना है, x2 से डिवाइड करना है, x2 कट क्या बचेगा 3। अभी 3 से मल्टीप्लिकेशन, 3 × x2, 3x2 प्लस माइनस माइनस 5/3 को किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 से, 3 कट कितना बचेगा -5 ही बचेगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट, ये भी कट, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, हमें हमें क्या करना है, रिमाइंडिंग ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हमें क्यू एक्स के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा जो क्यू एफ एक्स था क्या था, 3x² प्लस 6x + 3। अभी हमें रिमाइंडिंग ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अभी इसके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या निकलते हैं, 3x² बीच में क्या लाना है, 6 लाना है, तो 3x + 3x क्या होते हैं, 6x होते हैं। दो दो के पार्ट बनाएंगे, इन दोनों में 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 निकल गया, 2x में से x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, x ही बचेगा, 3x कॉमन निकल दिया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x बचेगा, 3 निकल गया, क्या बचेगा, 1। तो एक कॉमन फैक्टर क्या मिला, x + 1, दूसरा क्या मिला, 3x + 3। फर्स्ट ब्रैकेट के पीछे भी 0 और सेकंड ब्रैकेट के पीछे भी 0। प्लस 1 है पीछे चले जाए तो -1, और प्लस 3 है पीछे चले जाए तो -3। 3 मल्टीप्लीकेशन में पीछे चले जाए तो डिवाइड, क्या बचेगा, -1। तो लिखना है पर -1 and -1 आर जीरोज ऑफ पी ओ एक्स। ठीक है, पहले हमें क्या किया था, जो दिया हुआ था वो इक्वल में लिख लिया, प्लस है तो आ गया माइनस, माइनस आ गया तो प्लस। अभी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई फॉर्म में तो क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस करके इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकाल देते हैं x², ए स्क्वायर और रूट निकल गया, क्या बचेगा 5/3। ये हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स है। अभी जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ था हमें इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड में हमें रिमाइंडिंग क्या मिला, 0 मिला, और क्यू ऑफ एक्स कितना मिला, 3x² + 6x + 3। अभी हमें रिमाइंडिंग ऑफ जीरोस फाइंड करना था, तो ये क्यू एक्स से हमें क्या कर दिए, फैक्टर निकाल दिए, तो 3x² + 6x + 3। अभी उसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो 0 निकाल दिया, तो फैक्टर क्या निकलते, 3x² + 3x + 3 + 3। दोनों में कॉमन निकाल दिया 3x, 3 कॉमन निकल गया, x² में x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x + 1। इन दोनों में 3 कॉमन था, 3 निकल दिया, x + 1 बचेगा। अभी ये कॉमन, फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमें ये मिला x + 1, सेकंड फैक्टर कौन सा मिला, 3x + 3। फर्स्ट ब्रैकेट के भी पीछे 0, सेकंड ब्रैकेट के भी पीछे 0। प्लस 1 है पीछे चले जाए -1, प्लस 3 है पीछे चले -3, 3 मल्टीप्लीकेशन पीछे चले जाए तो डिवीजन, 3 और 3 कट कितना मिला -1। तो -1 and -1 आर जीरोस ऑफ पी ओ एक्स। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial g of x and the constant and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find g of x। ये भी हमारा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले आपको क्या बोला गया है कि p of x दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, g of x हमें फाइंड करना है। हमें ये क्या दिया हुआ, रिमाइंडर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स। तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2। फिर कॉन्सोनेंट क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x - 2, और रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 4। जी एक्स हमें क्या करना है, जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो उसका एक फॉर्मूला है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अभी पी एक्स हमें क्या दिया, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अभी जी एक्स हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ नहीं है। क्यू एक्स कितना दिया हुआ था? क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस 2। रिमाइंडर कितना दिया हुआ था? माइनस 2x प्लस 4। अभी ये देखो प्लस ये आ गया है तो इस इक्वल टू के आ गया है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस ब्रैकेट क्या गया, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं पहले से दूसरी बार लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अभी ब्रैकेट निकाल देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पर क्यूब वाले, देखो क्यूब वाले वैसे के वैसे, माइनस 3x² है नहीं है, तो ये वैसे का वैसे। 2x और x कितने होते हैं? 3x होते हैं। 4 में से 2 का है, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर से करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का जो ब्रैकेट था हमने निकाल दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी 2 और 1